समय घर गए हमारे मस्जिद के इमाम साहब, मतलब मस्जिद के तो नहीं, मतलब कंपनी के, हमें वो नमाज़ पढ़ाते हैं। उसने कहा मुझे इज्तिमा में छोड़ दूँ, तो अभी मैं उसको लेके जाऊँगा, इज्तिमा में छोड़ूंगा, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँगा उसको, मैं फिर वहाँ छोड़ूंगा, फिर मैं घर जाऊँगा, बड़ौदा सुनूँगा, ठीक है, ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद फ्रेश होऊँगा, फिर जुम्मे के लिए मैं 10-11 बजे जाऊँगा इज्तिमा का, फिर वहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँगा शाम तक, फिर मैं वहाँ से घर आऊँगा, फिर मैं घर आके फ्रेश होऊँगा दोबारा और ऑफिस आ जाऊँगा, फिर दूसरे दिन से मैं जाऊँगा इज्तिमा दो दिन के, ठीक है, वेलकम। अलैकुम, अभी मैं आया हूँ इज्तिमा में, मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाँ पूरा सब सलवार कमीज़ में नए, यहाँ पैसा देते हैं ना लोग, चलो ना इधर आओगे मेरे साथ। हाँ लामेदून खजाना है, सिफत हफीज लामेदून खजाना है, हक ताला शान किसी की हिफाजत का इरादा कर ले तो सारी मखलूक मिलकर उसको हलाक नहीं कर सकते। अल्लाह शान की हर सिफत लामेदून है, अल्लाह रुजत की जात बसी जात है, तो अल्लाह का शान कैसे सुनने वाले हैं कि सारी की सारी मखलूक जो दुनिया से जा चुके वो भी, जो दुनिया में मौजूद है वो भी, जो क़यामत तक आने वाले हैं वो भी, सब के सब एक मैदान में जमा, इतना बोले इतना सुने कि हमारे मौला दिल जिंदा हो जाए, और इस बात की भी दावत की जाए मैं आया था अभी कंपनी के लड़के को छोड़ने, अब मैं जाऊंगा घर, थोड़ा सोऊंगा, आराम करूंगा, नाश्ता करूंगा, फ्रेश होऊंगा नमाज़ की तैयारी के लिए, फिर मैं आऊंगा और फिर मैं दोबारा आऊंगा, फिर शाम में चले आऊंगा घर, और फिर मैं आऊंगा अपना, कल से आऊंगा, कल से इज्तिमा में आऊंगा इंशाल्लाह।